डोमचांच प्रखंड के अंतर्गत पडरिया गांव में पिछले 2012 निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण लागू करवाया गया था। आइए आपको हम पडरिया गांव ले चलते हैं। गड्ढा ये सब जो किए हैं और जो लकड़ी से बना हुआ, उन लोग आप अपने से बनाए कि उन लोग बनवा के दिए? अपने बनाए। अपने बनाया। आप लोग सबको अपने बनाए? अपने बनाया। अच्छा, एक रुपया नहीं मिला है। अच्छा, ये गांव में लगभग कितना शौचालय बना होगा टोटल? जैसे 12 गांव है ना इधर, 12 गांव में बना, मतलब टोटल गांव में यही हाल है? सब जगह यही हाल है। इसमें सिस्टम क्या था बनाने के लिए वो तो पूरा बताएं। वो लकड़ी से खाली खड़ा करवा दिया, तिरपाल ढको, वो ढको, खर्चा था कि पूछिए मत। खाना पीना दुनियादारी चलो, उठना बैठना सब यहीं पे। चार चार गो छः छः गो आता था, उतना उसका खून खुराकी भी हम लोग लगाते थे। जब पहला नया नया बना था तो यूज तो करते थे ज़रूर। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो चालू हो गया फिर बारिश, तो एक बच्चा ने जाके वहीं पर जो जितना इतना बड़ा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा में जाके बच्चा जाके गिर गया। तो उसी दिन से जब कबाड़ उबाड़ दिए हम लोग, सब लोग का भरोसा ही खत्म हो गया, तो कहाँ से हम यूज करेंगे हम। उस दिन कौन कौन आए थे शौचालय बनने के बाद? वो आया था जो मैडम आए थे, हाँ, है ना, हाँ। डीसी भी आए थे। डीसी भी आए थे, हाँ। डीसी आपका शौचालय सब देखे थे घूम कर? हाँ, देखे, देखे। तो क्या बोले डीसी? बोले कि नहीं, 9,900 मिलेगा, बनाइए आप लोग। लेकिन डीसी जब हमारे साथ धोखा दिया है तो किसको क्या बोले। अच्छा, जब डीसी सब शौचालय बन गया, उन लोग का स्वागत हो गया, चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया? फिर कोई नहीं आया है। मैं यह वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि पडरिया गांव में 50 परिवार के अलावे 4 गांव के लोग भी प्रभावित हैं। पिछड़ी समुदाय के लोगों के साथ धोखा हुआ है। पडरिया गांव में शौचालय श्रमदान करवाए पर पैसा नहीं दिया गया और शौचालय दिखावा के लिए लकड़ी से बनाया गया है। इससे पूरा स्पष्ट होता है भ्रष्टाचार हुआ। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ, जिला स्वच्छता पदाधिकारी पेयजल एवं कार्यपालक अभियंता के नाम विश्राम टोपनो है, मोबाइल नंबर 94 31 41 32 69 पर कॉल कर दबाव दें ताकि भ्रष्टाचार पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। मैं डिम्पी देवी, जिला कोडरमा, झारखंड, इंडिया, अनहट के लिए।